मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा प्रेम पूर्वक नमस्कार। प्यारे साथियों, ये वीडियो थोड़ा लेट है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मैंने आपसे बहुत बार का ये कहा है कि जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है और आप उस पर एक्शन लेते हैं तो आपको रिजल्ट आते हैं। मैंने इससे पहले IPL को लेकर वीडियोज़ बनाई थी, मैंने क्रिकेट को लेकर वीडियोज़ बनाई थी, और मेनली मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि फेसलेस कैसे हम लोग जा सकते हैं, बिना फेस दिखाए कैसे हम लोग डॉक्यूमेंट्री क्रिएट कर सकते हैं, कैसे बिना फेस दिखाए चैनल हम लोग क्रिएट कर सकते हैं वॉइस ओवर करके। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे चैनल्स जिन्होंने मैसिव सक्सेस अचीव की बिना फेस दिखाए, और ये IPL और क्रिकेट को टारगेट करके। आइए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको लगता है कि मैं आपको वैल्यू देता हूँ हर वीडियो में, तो वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलती है, थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलता है, सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए देखते हैं यहाँ पर। प्यारे साथियों, यहाँ पर आप देखेंगे एक चैनल है क्रिकफ्लिक्स। इन्होंने क्या किया, सबसे पहले इन्होंने 6 महीने पहले एक वीडियो डाली। मैंने आप सभी को बताया था कि देखिए, जीवन में जब आपको मौका मिले, जब जिंदगी में आपको वो फुल टॉस मिले ना, तो आपको घुमा के मारना चाहिए सिक्स। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इनको पता है कि ये देखिए IPL आ रहा है, इसके बाद एक वर्ल्ड कप है, T20 है यहाँ पे, इससे पहले वर्ल्ड कप था ही 50 ओवर्स इंटरनेशनल जो हमारा होता है। उसके बाद यहाँ पर IPL शुरू हुआ, अब ये IPL ख़त्म होगा, उसके बाद हमारा जो T20 वर्ल्ड कप है वो शुरू होगा। तो इन्होंने देखा कि एक मौका है क्रिकेट चैनल बनाने का और अच्छा काम करने का, तो इन्होंने शुरू किया चैनल। कब शुरू किया, 6 महीने पहले। पहली वीडियो डाली, बहुत ही अच्छी क्वालिटी वीडियो है, सिर्फ 2000 व्यूज़। उसके बाद 5 महीने में फिर डाली, लगभग 4000 व्यूज़। उसके बाद 3000 व्यूज़, फिर 4000, मतलब 4 वीडियो डाल चुके थे लेकिन कोई खास व्यू नहीं थे। उसके बाद यहाँ पर जो एक वीडियो आई, 5 क्रिकेटर्स हु रिटायर्ड एट देयर प्राइम, यहाँ पर व्यूज़ आए। कितने व्यूज़ आए, 1,45,000। बहुत अच्छे व्यूज़ नहीं है, लेकिन ऐसा है कि आपको ब्राउज फीचर मिल गया यहाँ पर। उसके बाद आप देखेंगे, उसके बाद एक वीडियो 4000, 26,000, 1,25,000, यहाँ पर 5 लाख व्यूज़ है। 11 दिन पहले एक वीडियो है, 10 worst buys in IPL history। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से IPL को अगर हम टारगेट करके बनाते हैं क्रिकेट चैनल, तो किस तरह से हमें चीज़ें मिलती। ऐसा नहीं है कि आप सब लोग क्रिकेट पे बनाएंगे और सभी लोग इस तरह से काम कर पाएंगे। सभी की क्रिएटिविटी एक अलग लेवल पे होती है। हम लोग हर एक इंसान अलग अलग तरीके से सोचता है, पर आपको कोशिश तो करनी होगी। आपको ये देखना होगा कि हाँ, अगर मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी है, मैं एक कोशिश करता हूँ। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो यहाँ पर आप देखेंगे 11 दिन में 483,000 व्यूज़ आए, और 4 दिन पे लगभग। और यहाँ पे मेनली क्या है, हर एक चीज़, आज से अगर आप 10 साल पहले जाएं तो YouTube का गेम पूरी तरह से अलग था, डिफरेंट था, लेकिन आज YouTube पूरी तरह से बदल गया है। ये कहता है कि देखिए, आप एक ही वीडियो डालिए 15 दिन में, लेकिन उसमें क्वालिटी होनी चाहिए। क्वांटिटी से फ़र्क नहीं पड़ता, क्वालिटी से फ़र्क पड़ता है। यानी कि आपने जो वीडियो दी है, क्या वो ऑडियंस के दिमाग में वो एंटरटेन उनको कर पाई है नहीं, जिस भी चीज़ के लिए आपके चैनल पर वो आए, क्या आपने उनको डिलीवर किया है या नहीं। जैसे इस चैनल पर आप आए, आपका जो एम है वो है कि किस तरह से हम लोग YouTube के माध्यम से पैसा कमा सकते हैं, तो क्या मैं वो डिलीवर कर पाता हूँ या नहीं। हर वीडियो में मेरी ये कोशिश रहती है, मैं आपको चैलेंज कर सकता हूँ। अगर सिर्फ एक वीडियो ही आप देखें और उसको इम्प्लीमेंट करें एटलीस्ट 6 महीने तक, तो आप देखेंगे आपके पास वो चीज़ें चल के आएंगी। मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया है कि कैसे हमने एक चैनल से ही 1 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू अचीव किया है, वो भी बिना फेस दिखाए। तो आप क्यों नहीं कर सकते, आप भी कर सकते हैं। पर देखिए, हमेशा ऐसा नहीं होगा कि आप करते रहेंगे चीज़ें और आपके पक्ष में हमेशा चीज़ें नहीं होंगी। कई बार ऐसा होगा कि आप चीज़ें कर रहे हैं लेकिन फिर भी व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, है ना। बहुत बार आप फेलियर्स आपके सामने आएंगे, लेकिन आप वहाँ से निकल कर आएंगे कैसे, जब आपको ये लगेगा कि जो काम मैं कर रहा हूँ वो परफेक्ट है और ये काम करने में मुझे मज़ा आ रहा है। तो अगर आपको क्रिकेट में इंटरेस्ट है तो ये मौका मत छोड़िए। IPL अभी भी फाइनल नहीं हुआ है, अभी भी आपके पास बहुत मौका है। उसके बाद IPL के बाद वर्ल्ड कप T20 चालू होगा, तो आप देखिए किस तरीके से क्रिकेट चैनल बनाकर। और यहाँ पर आपको मैं बताना चाहता हूँ एक सच्चाई, यहाँ पर जो स्पॉन्सरशिप होती है और इस वक्त जो इनका RPM होता है जब भी ये चीज़ें चलती हैं, तो बहुत हाई होता है। यानी कि आप एडसेंस से तो कमाती हैं, लेकिन स्पॉन्सरशिप भी बहुत महंगी आपको मिलती है यहाँ पर। ऐसे ही कुछ चैनल और मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ आप देखेंगे कि 21 घंटे पहले 64,000 व्यूज़ हैं। किसके ऊपर बना है ये, गुजरात टाइटन्स के ऊपर बनाई है इन्होंने, IPL को टारगेट करके बनाया। उसके बाद डाउनफॉल ऑफ वेस्ट इंडीज़, RCB इज़ द वर्स्ट टीम। तो आपको ये, आप मुझे बताइए कि RCB इस वक्त परफॉर्म नहीं कर पा रही है, आप सभी को अच्छे से पता है, तो उसको इन्होंने यहाँ पर भुनाया अच्छे तरीके से।
उसके बाद बेस्ट कैप्टन रोहित शर्मा की बात हो रही थी, तो उन्होंने रोहित शर्मा पे हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा वाली जो कंट्रोवर्सी आप सभी को पता होगा, तो यहाँ पर उन्होंने उसको टारगेट करके चीज़ें बनाई हैं। तो जब भी यहाँ पर इनको मौका मिला, इनको लगा कि हाँ ये कॉन्टेंट मैं जा सकता हूँ, उन्होंने बताया। अब यहाँ देखिए हार्दिक पांड्या टॉक्सिक, तो यहाँ पर इन्होंने अपने कुछ ओपिनियन दिए हैं क्यों इनको लोग हेट कर रहे हैं, ऐसा करना नहीं चाहिए, पर बहरहाल लोगों के इमोशन क्रिकेट से जुड़े होते हैं, तो व्यस्त जैसे डेमोक्रेसी में होता है कि हम लोग अपना जो ओपिनियन है वो दे सकते हैं, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी अगर हार्दिक पांड्या को प्यार मिलता है तो थोड़ी सी उनको क्रिटिसिज्म भी झेलनी पड़ेगी। तो उस तरीके से यहाँ पर इन्होंने अपना ओपिनियन दिया होगा जो भी ये सोचते हैं इस बारे में। तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक परफेक्ट यूट्यूब चैनल क्रिएट कर सकते हैं जहाँ पर बिना फेस दिखा आपको कॉन्टेंट क्रिएट करना है और क्रिकेट को टारगेट कर सकते हैं। लेकिन आप ये सोचिए कि ऐसा नहीं है कि आपने आज चैनल बनाया और दो दिन बाद आपकी वीडियो वायरल हो गई। हो सकता है आपको 10 वीडियो बनानी पड़े, हो सकता है 15 वीडियो बनानी पड़े, लेकिन एक चीज़ जो कांस्टेंट है, जो आपको जो ये है कि हाँ मिलेगी ही ये चीज़, वो है सक्सेस। अगर आप अच्छे से कंटेंट बनाते हैं, आपको चीज़ें करने में मज़ा आ रहा है, तो आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे इस तरीके से यहाँ पर। और इसके बाद अगर मैं चलूँ आगे, सभी लोग बना रहे हैं इस वक्त, जो भी अपॉर्चुनिटी जिसको मिली है सब उसको अच्छे तरीके से यूज़ कर रहे हैं। आप देखिए वहाँ पर CSK दो दिन पहले, उसके बाद कैप्टन की बात हो रही है, रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेकर ये वीडियो है। मेरे प्यारे साथियों, आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि यार ये जो कैटेगरी है क्रिकेट में, यहाँ पर आपको तीन ही चार चीज़ें करनी है। सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कॉन्टेंट कौन सा है, उसके बाद आपको उसको एडिट करना है, उसके बाद वॉइस ओवर करना है और अपलोड करना है एक अच्छे तरीके से। मैं आपको ये चैलेंज कर सकता हूँ, अगर 6 महीने आपने पूरी मेहनत के साथ ये चीज़ें कर ली तो उसके बाद आपको कभी पैसों के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। ये चीज़, ये वादा मैं आपसे कर सकता हूँ। तो क्रिकेट चैनल कैसे बनाना है, क्या करना है, उसके लिए एक सरप्राइज़ है मेरे पास आप सभी लोगों के लिए। ऑलरेडी आपने मुझसे कई बार ये कहा, इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे DM मुझे आते थे बीच बीच में, तो मैं उस पर एक चीज़ आपको आपके सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ फेसलेस फेम यूट्यूब एडिशन। यहाँ पर क्या है, ये एक ऐसा कोर्स है, इसको कोर्स आप बोल सकते हैं, ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको ये स्किल देगी कि आप किस तरीके से कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं क्रिकेट को लेकर। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर क्या है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ किस तरीके से इस पूरे ये जो पूरा कोर्स है इसमें क्या क्या चीज़ें, वो सारी चीज़ें जो आपको चाहिए, किस तरीके से बेसिक यानी कि चैनल क्रिएट कैसे होता है, उसके बाद कौन कौन से निश में आप जा सकते हैं, अलग अलग निश की वीडियोज़ कैसे एडिट होती हैं, पूरी सभी चीज़ें इसमें अवेलेबल है। अगर फेसलेस फेम में मैं क्रिकेट की बात करूं, सिर्फ क्रिकेट की बात करूं जिस पर मैं वीडियो बना रहा हूं, सिर्फ क्रिकेट को लेकर लगभग 3.5 से 4 घंटे का की क्लासेज हैं। वहां पर आपको एक एक चीज़ बताई गई है किस तरीके से आप सारी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। यहां पर आप देखेंगे तो ये आप देख सकते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं क्लास 8 में मैंने क्रिकेट निश के बारे में बात किया है, कितने लगभग 60 मिनट की ये वीडियो है। उसके बाद भी आप देखेंगे, उसके बाद भी क्रिकेट पे मैंने बात की है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक एक चीज़। तो जो भी चीज़ फेसलेस चैनल के लिए रिक्वायर्ड है, बेसिक से लेकर एडवांस सारी चीज़ें मैंने इसमें कवर की हैं। और सबसे अच्छी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसके लिए जब मैं ये डिसाइड कर रहा था कि मुझे इसका प्राइस क्या रखना चाहिए, तो मैं ये सोच रहा था कि कुछ ऐसा रखना चाहिए जो अफोर्डेबल हो, जो लोग अफोर्ड कर सकें। तो आपको बताना चाहता हूँ इसका जो एक्चुअल प्राइस है वो 6,000 है, और अभी 65% ऑफ मैं दे रहा हूँ, जो शुरुआती 100 लोग होंगे उनको 65% ऑफ मिलेगा, यानी कि लगभग 1999 लगभग 2000 का ये कोर्स आपको होगा। लाइफ टाइम वैलिडिटी है, जहाँ पर आप सारी चीज़ें देख सकते हैं कि फाउंडेशंस क्या हैं, चैनल क्रिएशन और ऑप्टिमाइजेशन कैसे होता है ना, और सारी चीज़ें फेसलेस हैं। और लास्ट में लगभग 2 घंटे की क्लास है जहाँ पर मैं फेस के साथ भी चीज़ें आपको बता रहा हूँगा इसमें। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो छूट गया हो। तो मैं देखिए, एक स्किल होती है कि हम कोई भी चीज़ सीखते हैं उसके बाद हम उसको इम्प्लीमेंट करने जाते हैं। वैसे तो मैंने ऑलरेडी सारी चीज़ें बताई हैं यूट्यूब पर भी कि कैसे आप लोग चैनल क्रिएट करें, कैसे वो सारी चीज़ें करें, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम यूट्यूब पर नहीं बता सकते, जो यूट्यूब की गाइडलाइंस के ख़िलाफ़ है, तो वो चीज़ें मैंने इसमें अच्छे से बताई है। 2-2 घंटे मैंने वो चीज़ें बताई हैं जो यूट्यूब पर नहीं बता सकता। 3-3, 4-4 घंटे मैंने एक एक निश पर बात की है, फेसलेस क्या है, कैसे है, उसको कैसे बिजनेस की तरह एक्सपेंड कर सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पर मैंने एक यानी अगले 6 महीने इसको कंप्लीट करने के बाद अगले 6 महीने आप किस प्रकार से काम करेंगे वो मैंने डिस्कस किया है, एक रोड मैप आप सभी के साथ मैंने उसमें शेयर किया है। तो ये आपके लिए परफेक्ट होगा। जो लोग
मुझे तो ये ऐसा लगता है कि अगर आपको स्किल सीखना चाहते हैं तो आपको इन्वेस्ट करने के लिए सोचना नहीं चाहिए। पर बहरहाल आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो मैं कहूँगा कि आप यूट्यूब पर जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए और कंटिन्यू कीजिए वीडियोस को देखना। तो मेरे प्यारे साथियों, अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर शुरुआती 100 लोगों के लिए 65% से ज़्यादा ऑफ है, तो अभी आप जाकर फर्स्ट 100 अगर कूपन कोड यूज़ करते हैं तो 65% से ज़्यादा आपको ऑफ मिलेगा। जाकर ज़रूर लीजिए, इस कोर्स में एनरोल कीजिए। और ये जो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, 2 वर्ल्ड कप T20 अभी भी आपके पास है और IPL फाइनल अभी भी नहीं हुआ है, तो आप इसको भुना सकते हैं। जाइए अच्छे से सीखिए। अगर आपको कुछ नहीं करना है तो सिर्फ क्रिकेट वाले नीश को देख लीजिए, वहाँ पर किस तरीके से लगभग 3-4 घंटे की क्लास है, तो आपको सारी चीज़ें वहाँ पर अच्छे से समझ में आ जाएगी और रोड मैप भी आपको मिलेगा अगले 6 महीने कैसे हमें काम करना है। तो मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए, ये बहुत ही शानदार कोर्स है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, सबसे ऊपर इसका लिंक है, जाकर आप क्लिक कीजिए, कूपन कोड यूज़ कीजिए फर्स्ट 100, आपको 65% से ज़्यादा ऑफ मिलेगा। अभी जाइए, अभी रजिस्टर कीजिए और वापस आइए। तो मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने एनरोल किया होगा। देखिए, यहाँ पर हमारे सामने वर्ल्ड कप T20 है, हम उसको टारगेट करके इस कोर्स में मैंने उन चीज़ों को, वर्ल्ड कप को टारगेट करके चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की हैं। जाइए और शुरू कीजिए एक नई जर्नी क्रिकेट में बिना फेस दिखाए कंटेंट क्रिएट करने का। और मेरे प्यारे साथियों, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो एनरोल नहीं करना चाह रहे होंगे, कोई इशू नहीं है, आप लोग फ्री में वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, वो सारी चीज़ें देखिए। क्योंकि मुझे ये चीज़ इसलिए करनी थी क्योंकि आप में से ही बहुत सारे लोग बोल रहे थे, इससे पहले मैंने आज से लगभग 6-7 महीने पहले लाइव मेंटोरशिप मैंने की थी, लगभग 2 बैच मैंने चलाए थे, जो जहाँ पर एक्सपीरियंस बहुत अच्छे रहे, लोगों ने अच्छा रेवेन्यू अर्न किया। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे कुछ ऐसा देना चाहिए जो टारगेटेड हो, जैसे इसमें मैंने क्रिकेट के बारे में बात किया है, तो आप जाएंगे आपको सारी चीज़ें टारगेटेड मिलेंगी। जाइए, रिकॉर्डेड कोर्स है, आप एक दिन में एक क्लास ही ख़त्म कीजिए, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। आप चाहें तो आप अपने समय के अनुसार उसकी टाइम निर्धारित कर सकते हैं कि आपको सुबह देखना है, शाम को देखना है, जैसे भी आप उसको कंटिन्यू करना चाहें। उम्मीद करता हूँ कि ये अपॉर्चुनिटी आप मिस नहीं करेंगे। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।